वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अतीश असलम। और अभी है सुबह के 8:02 हुआ है और आज का ब्लॉग स्पेशल है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं दुमका, यानी कि कॉलेज में काम है और भी काम है तो करेंगे। तो चलिए आपको दुमका दिखाते हैं और कॉलेज भी दिखाएंगे जहाँ से हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं टेम्पू से, आप देख सकते हैं टेम्पू वहाँ लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं अभी हम लोग कारोडी मोड़ पहुंच चुके हैं और इधर जो आप देख रहे हैं ये पाकुड़ रोड है, जो कि पाकुड़ जाएगा लिट्टी पड़ा, और इधर से हम लोग जाते हैं दुमका। और आप देख सकते हैं काफ़ी जंगल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग अभी टेम्पू पे जा रहे हैं और अभी काठीपुर पहुंचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं पीछे बड़ी दी और छोटी दी है। तो गाइस हम लोग दुमका जा रहे हैं अभी और रास्ते में हैं, आप देख सकते हैं आवाज भी कर रहा है, ऑटो में जा रहे हैं क्योंकि क्यों जाना पड़ा ऑटो में हमें। इस राज का खुलासा हम लोग करेंगे, इसलिए आप दूसरा ब्लॉग देखना ना भूले। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं दुमका और ये जगह है सिद्धुकानू मोड़, यानी कि पोखरा चौक। तो है एवरीवन, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुम्हारपड़ा, यानी कि दुमका पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ये कॉलेज, आप देख सकते हैं कुम्हारपड़ा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुम्हारपड़ा, और आप ये मंदिर देख सकते हैं जो कि शिव गोपाल मंदिर है। और इसी रोड में हम लोग अभी एएन कॉलेज जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। हे गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं कॉलेज और आप देख सकते हैं कागज़ जो कि जेरोक्स कर चुके हैं और अभी इसी को जमा देना है, हो जाएगा तुरंत जमा और उसके बाद आपको कॉलेज थोड़ा दिखा देंगे। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फाइनल दोस्तों, हम सबमिट कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स और अभी जा रहे हैं मार्केट तरफ। तो आप देख सकते हैं यह है एएन कॉलेज, जो कि मेरा कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हम कर चुके हैं। अभी जो जमा दिए हैं वो बहन का था, तो बहन का डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, फाइनल सबमिट है, एएन कॉलेज में है अभी हम लोग। तो आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा, तो आपको बैक कैमरा से एक बार दिखा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एएन कॉलेज, जो कि यहाँ कॉलेज का नाम लिखा हुआ है और इधर से हम लोग आए अभी। तो चलते हैं अब मार्केट तरफ, जो कि दीदी सब मार्केट में है और अभी मेरा काम हो चुका है एएन कॉलेज में। तो आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा, चलिए चलते हैं बाज़ार और इसी में हम लोग आए हैं घर से टेम्पू में। और यहाँ आप देख सकते हैं जो कि रेलवे स्टेशन है, तो आपको अभी नहीं दिखा पाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो आपको रेलवे स्टेशन ज़रूर दिखाएंगे। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पोखरा चौक के सामने और यहाँ एक नाश्ता दुकान है, तो अभी हम लोग यहाँ नाश्ता करेंगे, आप देख सकते हैं जो कि पूरी लिए हैं, तो अभी यही खाते हैं, तो बाद में फिर खाना खाएँगे, तो खाने के बाद आपसे मिलते हैं।
सो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम लोग मॉल आ गए हैं और ये V2 मॉल है जो कि आपको अगले वीडियो में दिखाए थे जो कि वी मार्ट था। अभी हम लोग यहाँ आए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि दीदी सब अपना शॉपिंग करने में लगी है, तब तक हम आपको दिखा रहे हैं इधर। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं धर्मस्थान मेन बाज़ार दुमका, यानी कि यहाँ मोनिका स्वीट दुकान है, तो वहीं पर आए हैं जो कि मिठाई लेने। तो सारा कुछ हो गया है, सारा काम हो गया है जो कि आपको दिखा चुके हैं और कॉलेज भी आपको दिखाएं। तो चलिए अभी हम बैठे हैं टेम्पू पे और दीदी सब गई है बाहर जो कि मिठाई लेने, तो हम यहाँ पर बैठे हैं। तो चलिए आपसे अब घर जाके मिलते हैं। और आप देख सकते हैं सामने मंदिर है, यही धर्मस्थान है जो कि धर्मस्थान मंदिर। फिर टाइम हो गया है 5:30 हो गया और काफ़ी आवाज़ भी है, तो आपको शायद नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। और अभी बारिश भी होने लगी, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। और यहाँ है मोनिका स्वीट और इधर है बुक का दुकान जो कि यहाँ से हम लोग बहुत बार खरीद के लेके गए हैं। यह है धर्मस्थान मंदिर। सो दोस्तों सारा काम हो चुका है और अभी हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और शाम होने वाली है, आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है। गाइस हम आ गए थे कल दुर्गा से और अभी हम हैं स्कूल की तरफ। काफ़ी जोर से बारिश होने के कारण आप देख सकते हैं काफ़ी पानी भर चुका है और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। और आगे भी आपको दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पानी है और काफ़ी लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं, तो देख सकते हैं काफ़ी गहराई है। और इधर भी आप देख सकते हैं इधर भी जो काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण ऊपर में बारिश हुई है। और आगे आप देख सकते हैं इधर आपको पहले भी दिखाए थे और वहाँ आप देख सकते हैं जो कि मछली पकड़ने आया है और नहा भी रहा है। और इधर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों फाइनली आपको दिखा चुके हैं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।